If G is a group of order 36 and H and K are its subgroups of order 18 and 9, then show that HK is a subgroup of G. Also show that order of H intersection K is equal to greater than 3. तो यहाँ पर यदि H और K ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं, तब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट एच के को जी का सब ग्रुप होगा। तो एक थ्योरम के अनुसार एच के जी का सब ग्रुप तभी होगा जब हमें एच के इज इक्वल टू के एच मिले, ठीक है। तो एच के इज इक्वल टू के एच हमें कब मिलेगा, यदि एच और के में दोनों में से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप हमें मिल जाए, तब उस स्थिति में हमें एच के इज इक्वल टू के एच मिलेगा और तब हम कहेंगे कि एच के क्या है, जी का एक सब ग्रुप है। इसलिए हमें यहाँ पर यह चेक करना होगा कि इन दोनों सब ग्रुप में एच और के में कौन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इसे कैसे पता करेंगे, इंडेक्स की सहायता से। इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, हमें क्या प्राप्त होता है, 2, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर 36 है और एच का ऑर्डर क्या है, 18। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिंस एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ग्रुप में 2 इंडेक्स वाला सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। इसलिए H क्या हो गया, G का एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, इसलिए हमें क्या मिलेगा, HK इज इक्वल टू KH, ठीक है। हम पहले H को दिखा देंगे कि यह नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो उस आधार पर हम HK इज इक्वल टू KH कहेंगे और तब हम थ्योरम के बेस पर HK को क्या कहेंगे, G का एक सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि H और K G के सब ग्रुप हैं, इसलिए उनका इंटरसेक्शन भी G का सब ग्रुप होगा। तो उस स्थिति में इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर होगा वह H और K के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इस आधार पर हम यहाँ पर H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, 1, 3, 9, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। तो अब इन तीनों में से कौन होगा यह कैसे पता करेंगे, यह हम पता करेंगे एच के ऑर्डर की सहायता से, ठीक है। व्हेन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1, जब एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर हम मानकर चलते हैं 1 है, उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू, यहाँ मान पुट करने पर 162 मिलता है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा है, जो असंभव है, ठीक है। या तो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। इसी तरह से व्हेन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 3, तो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 54, यानी कि यह भी केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रहा है वह ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा है। अब व्हेन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 9, तो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू 18 मिल रहा है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से कम है। तो यह केस पॉसिबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या है, 9 है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है 3 से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी सच डेट ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी, सो बाई एन एग्जाम्पल डेट जी बाई ए नीड नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू जी बाई बी। हमें यहाँ कह रहा है कि मान लें कि जी एक ग्रुप है, ए और बी जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, और इस प्रकार से दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं कि ए बी के आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, ए और बी आइसोमॉर्फिक हैं। फिर एक उदाहरण के द्वारा दिखाएं कि जी बाई ए को जी बाई बी के आइसोमॉर्फिक होना जरूरी नहीं, यदि ए और बी आइसोमॉर्फिक हैं तो यह कोई जरूरी नहीं कि जी बाई ए और जी बाई बी भी आइसोमॉर्फिक हों, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा, मान लेते हैं एक ग्रुप क्या है, जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, और यहाँ पर हम दो सब ग्रुप ले लेते हैं, दो नॉर्मल सब ग्रुप, ए इज इक्वल टू 2z एंड बी इज इक्वल टू 4z। अब यहाँ पर
हम एक मैपिंग ले लेंगे ए से बी में, जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि यह मैपिंग जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए वो उसे सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। ए के कोई भी दो एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एफ एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, सिंस एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर ए एंड बी आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ पर अगर एफ एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और उसके बाद यह मैपिंग ए से बी में वन वन और ऑन टू है, तो उस स्थिति में यह मैपिंग क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। और उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ए और बी आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। अब यदि ए और बी आइसोमॉर्फिक हैं तो क्या जी बाई ए और जी बाई बी भी आइसोमॉर्फिक होंगे, तो हम कहेंगे नहीं। किस आधार पर, जी बाई ए इज इक्वल टू जेड बाई टू जेड, इसके कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ दो, और जी बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई फोर जेड, इसके कितने एलिमेंट होंगे, फोर एलिमेंट। तो जहाँ हम एलिमेंट्स की संख्या देख रहे हैं दोनों में अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। आइसोमॉर्फिक होने के लिए दोनों में एलिमेंट्स की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो इस आधार पर हम कहेंगे यदि जी एक ग्रुप है और ए बी उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इस प्रकार से कि ए और बी आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जी बाई ए जी बाई बी के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है।